नमस्कार, मैं रवीना MNS न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तेजस्वी यादव ने मीडिया को कुछ इस तरह जवाब देते हुए नजर आए, कहा कि घर में आपकी बीवी ने खाना बनाया या आपने। खबरों के मुताबिक लालू यादव फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। मीडिया ने उनको कुछ इस तरह दिया जवाब और हालचाल और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिट्टू मोबाइल थोड़ा सा नीचे, बिट्टू जो डॉक्टर हैं उनके घर में आपकी बीवी होगी, घर में खाना आपने बनाया है कि आपकी बीवी ने बनाया, अच्छा बनाया या बुरा बनाया, साथ बैठ करके खाए थे कि नहीं खाए थे। जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है वो हम नहीं करते, पारिवारिक मामला है और परिवार में जो भी चल रहा है परिवार के लोग सक्षम हैं इस चीजों को देखने के लिए। जो इंडिया लाठी से कोई बचा है नीतीश जी के रात में, कोई बचा हो तो आप बताइए। ये तो पूरी तरीके से तानाशाह तरीके से सरकार चलाया गया। कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो युवा द्वारा जो कार्यक्रम जो निकाला गया था राजभवन में, बेरोजगारी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, बढ़ती भ्रष्टाचार को लेकर के, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और लगातार पुलिस की जो गुंडागर्दी जो ये सब लोगों ने देखने का काम किया। तो नीतीश जी की सरकार में तो लोगों का जो जनता की जो आवाज़ है उसको लाठी से कैसे दबाया जाए, यही काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन जनता जो है समय पे जवाब देगी। जो लाठी जो मारे जा रहे हैं लोगों पर, जनता के सवाल जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि भाई वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, इसका जवाब जो है जनता जरूर देगी। और लाठी कितना भी बल प्रयोग कर ले, लेकिन ये लाठी का जोर जो है अब चलने वाला नहीं। क्या अच्छा, आप 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, आरोपी की जमकर की धुनाई। यह मामला रामगढ़ की दर्शाई जाती है। जब बच्ची ने मचाया शोर तो परिजन ने की जमकर पिटाई, आरोपी को फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया है। यह वारदात फतेहाबाद के गांव से दर्शाई जाती है। नाबालिग से किया रेप, गांव का ही युवक बना आरोपी। महिला थाने SHO बिमला देवी ने बताया कि नाबालिग को गांव के रिंकू नाम के युवक को धोखे से अपने घर पर बुलाकर करता था लड़की से रेप। लूसी और 164 और मेडिकल करवाया गया। तो क्या शिकायत है मैम, क्या आरोप लगाए गए हैं? लड़की ने बताया कि मेरे माँ बाप खेत में गए हुए थे, पीछे से एक गांव का ही लड़का आया और मेरे को जबरदस्ती बैठा के फसला के ले गया, जहाँ जोड़ों की खुदाई हो रही है मनरेगा द्वारा, और वहाँ गलत काम किया। किन धाराओं के मदद किया गया? 4 पोक्सो, 363, 366 और 450 IPC और 376 वन पार्ट। कितने आरोपी हैं? एक ही। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS न्यूज हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।